सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मोटिवेशनल कोड क्या है देखो, निगेटिव लोगों के पास, निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर सलूशन के लिए एक नया प्रॉब्लम होता है। आप उनको कोई भी चीज बताओ ना, बोलो कि क्या सलूशन इसका, बोलेगा ये हो ही नहीं सकता, तुम कर ही नहीं सकते, तुम डॉक्टर बन ही नहीं सकते। अरे तुम डॉक्टर बनने के बारे में सोच भी क्या सकते हो, पाप है ये, पाप। ऊपर वाला नाराज हो जाएगा, इतनी मेहनत क्यों करना, सोफिस्टिकेटेड लाइफ जियो। डॉक्टर बनने में बहुत पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनोगे दिन रात का चैन चला जाएगा, सुकून चला जाएगा, है ना। मतलब हर सोल्यूशन पे एक प्रॉब्लम खड़ी है, और पॉजिटिव लोगों के पास रहोगे हमेशा हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन खड़ा है। दिस इज द डिफरेंस। मैं लाइफ में डेली बहुत कुछ झेलता हूँ, है ना, लेकिन रोज नई प्रॉब्लम, पुरानी प्रॉब्लम आती है, नई प्रॉब्लम पुरानी सॉल्व कर लेते हैं, नई खड़ी हो जाती, मजा आता है। जिस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं आती लगता है क्या हो रहा है, लाइफ बड़ी स्मूथ है, मजा नहीं आया आज, सही है नहीं है। आज हमें रात को नींद नहीं आई तो हम 2 बजे पढ़ने लगे, मतलब 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़े, फिर अपना एक्सरसाइज किया और जो करते रूटीन काम किया तब आए, मतलब मजा आती है। मतलब ये नहीं है कि 2 बजे नींद खुल गई तो हम उल्टा सीधा लेट रहे, नहीं, पढ़ते 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 नींद आ गई, फिर 10 मिनट फिर सोए, फिर आ गए। लेकिन आपको ये लगेगा नहीं कि हम नहीं सोए मेरी, क्योंकि एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। मैंने क्या बोला इस बात पर, ये बात बोली सही है। आज का टॉपिक है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, गति और संचलन, या चलन भी बोलते हैं, गति और चलन। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बैठे हो और मैं यहां खड़ा हूं, अभी मैं खड़ा हूं कि चल रहा हूं? अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर मूवमेंट हो रहा है। मैं बताऊं, ये देखो मेरी पलकों को, प्यारी प्यारी पलके देखो, प्यारी प्यारी पलके देखो, इधर तिरछी तो उधर तिरछी, इधर ऊपर तो इधर इधर, और इधर भी। मतलब क्या हुआ, मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा आप मेरी आंखों के आईबॉल को देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हुआ, मूवमेंट हुआ कि लोकोमोशन? अब ये तो हुआ नहीं कि मेरी आईबॉल निकल के वहां चली गई इनके पास। अगर अगर आईबॉल निकल के किसी के पास चली गई होती तो लोकोमोशन हो जाता, क्योंकि आपका प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा दिल अंदर ही अंदर धड़क रहा है, ये धड़क के कहीं और चला गया, यही धड़क रहा है। मतलब धड़कन भी क्या है, मूवमेंट है कि लोकोमोशन? हाँ, ये मत बोलो उछल के चला गया कहीं और, संभाल के रखो अपने दिल को, है ना। तो इसका मतलब हार्ट बीट भी क्या है, मूवमेंट है कि लोकोमोशन? आईबॉल में क्या हुआ? अच्छा और मेरे आंखों के बाउल में क्या हुआ, आईलिड्स में क्या हुआ? अच्छा मेरी जॉस में क्या हो रहा है, मूवमेंट? मेरी जीभ में जो कैची की तरह चल रही है उसमें क्या हो रहा है? हाँ कैची की तरह चलती मेरी एकदम, देखो लगातार सड़ 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 सड़, है ना। बताओ क्या हो रहा है मेरे टंग में, मेरे जॉ में क्या हुआ, मेरे हार्ट में क्या हुआ? प्यार नहीं बोला है, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड मिलवाऊंगा आपको, हल्के में मत लिया करो हमको, भारी है, चलो अरे सही में मिलवाऊंगा, अरे बहुत है। देयर इज नाना प्रकार ऑफ गर्लफ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ गर्लफ्रेंड्स। चलो अब समझो, मेरी बात सुनो, पहले मजाक हो गया, पहले बात पे आओ। मैं कह रहा था लेकिन मैं मिलवा के जाऊंगा आशुतोष, अस्तित्व अस्तित्व और आशुतोष को स्पेशली मिलवाऊंगा, है ना। चलो एनीवे सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। अरे भाभियां बहू तो पहले यहां आओ, देखो मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या बताया, बताओ इन जगहों पे जहां मैंने नाम लिया, टंग में क्या हो रहा है, जॉज में क्या हो रहा है, अच्छा और हार्ट में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अच्छा हाथों में भी मूवमेंट ही होता है, बताओ। क्रमाकुंचन गति, पेरिस्टालिसिस, क्रमाकुंचन गति यानी पेरिस्टालिसिस, सुना है कि नहीं सुना है, चलो आगे बताना। अच्छा उसके अलावा अगर मेरी ट्रैकिया में है, मेरी ट्रैकिया में कुछ सीलिया है और सीलिया भी ऐसे से हिल रहा है, क्या हो रहा है, मूवमेंट।
क्या हो रहा है मूवमेंट, ठीक है ना। तो कहीं पे मूवमेंट होता है, कहीं लोकोमोशन। अच्छा आप बताना, ये सब तो मूवमेंट है। अच्छा आप बैठे हो, आप क्या कर रहे हो? मेरे रिस्पॉन्स पे आप यूं कहते हो हाँ सर या ना सर, तो उसके बाद आप अपने आपके क्या हुआ, गर्दन का मूवमेंट, आपके गर्दन का क्या हुआ, मूवमेंट। अच्छा आप लोग हाथ पैर भी हिला रहे हो, कभी ऐसे बैठ 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 रहे हो आगे वाले को। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। अगर आपकी पोजीशन विस्थापित हो जाए या डिस्प्लेस्ड हो जाए तो क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं लोकोमोशन। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लोकोमोशन के साथ साथ मूवमेंट भी कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ऑनली मूवमेंट, देयर इज नो लोकोमोशन इन माई बॉडी, बट राइट नाउ आई एम डिस्प्लेस्ड माई प्लेस। अगर मैंने अपना प्लेस डिस्प्लेस कर लिया तो मेरे अंदर मूवमेंट के साथ साथ, मतलब ऐसा मूवमेंट जिसमें आपका पोजीशन चेंज हो जाए या बॉडी की जगह बदल जाए, उसे क्या बोलते हैं। आओ, ये पापा की परी है, और पापा की परी क्या कर रही है, एक्सरसाइज, मतलब लोकोमोशन कर रही है कि मूवमेंट, ये मूवमेंट कर रही है, ज्यादा तालो नहीं। ये देखो, ये पापा का परा आया, ये क्या कर रहा है, ये लोकोमोशन कर रहा है कि मूवमेंट, ये दोनों कर रहा है, लोकोमोशन भी कर रहा है मूवमेंट भी कर रहा है, क्योंकि ये पीछे से आगे तैर के आ रहा है। तो स्विमिंग इज अ काइंड ऑफ लोकोमोशन की मूवमेंट, वैसे तो बोलोगे लोकोमोशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर एक चॉइस करनी है तो लोकोमोशन। पहले वाला केस क्या था, परी वाला केस क्या था, पापा की परी वाला, मूवमेंट, ठीक है ना। अच्छा ये वाला देखो, ये वाला क्या था, लोकोमोशन, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये अमीबा है, अमीबा खाना अंदर ले रहा है, अमीबा खाना अंदर ले रहा है, इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट हो रहा है, अमीबा स्यूडोपोडिया की मदद से खाना अंदर ले लेता है, इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबा का गति, अमीबा की गति या चलन जो बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इसी तरह से ये चप्पल के आकार का है, जैसे हम लोग घरों में चप्पल स्लीपर पहनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्लीपर एनिमल क्यूल। क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल क्यूल। एनिमल जब बहुत छोटा होता है तो उसे बोलते हैं एनिमल क्यूल। क्या बुलाते हैं इसे, स्लीपर। अरे स्लीपर घरों में पहनते हैं, स्लीपर बोल, चप्पल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लीपर, है ना। और बताओ, एनिमल क्यूल किसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि काफी छोटा है। अच्छा इसका नाम है पैरामीशियम, और पैरामीशियम के बॉडी के सरफेस के चारों तरफ अपने को क्या दिख रहा है, सीलिया। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज सीलरी मूवमेंट। इस तरह के मूवमेंट को सीलरी मूवमेंट बोलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर सरफेस पर एक छेद होता है, उस छेद को साइटोफेरिंक्स कहते हैं, वहां पर भी सीलिया ही लगे होते हैं, और सीलिया भोजन के कणों को अंदर ढकेलते हैं, जिससे भोजन अंदर प्रवेश करता है, एंड दे कैन डाइजेस्ट द फूड। समझ में आई कुछ बात, छोटे से छेद का नाम साइटोफेरिंक्स। साइटोफेरिंक्स से क्या आएगा, पानी के द्वारा फूड पार्टिकल अंदर जाएंगे, पानी में बैक्टीरिया जो है वो अंदर चले जाएंगे, ये बैक्टीरिया इसका भोजन है। अमीबा भी बैक्टीरिया खाता है और ये अंकल भी बैक्टीरिया ही खाते हैं, है ना। चलो, और चारों तरफ किसका मूवमेंट हो रहा है, सीलियरी मूवमेंट हो रहा है। एंड दिस इज द ऑर्गेनिज्म विच हैव टू न्यूक्लियस। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कितने न्यूक्लियस हैं, अभी मैं नोट्स नहीं बनवा रहा, अभी मैं केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, नोट्स बनवाऊंगा एक एक चीज। अभी तक हमने दो तीन टाइप के मूवमेंट को देखा। अच्छा ये देखो, ये है हमारा एग। हम लोग की फीमेल्स में जो एग निकलता है वो एक ट्यूब में फ्लो करता है, उस ट्यूब को बोलते हैं हम लोग क्या, फैलोपियन ट्यूब, या फिर ओविडक्ट, या अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। अच्छा इसके पास कोई भी चलने के लिए कोई अप्रेकस नहीं है, एग इज नॉन मोटाइल, एग मोटाइल नहीं है। तो इसको कौन भेज रहा है आगे, इसको भेज रहा है सीलिया। सीलिया प्रोपेल द म्यूकस, सॉरी सीलिया प्रोपेल द एग इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में अंडे को मूवमेंट कौन दे रहा है, सीलिया। समझ में आई बात, किस जगह पे क्या है कुछ क्लिक कर रहा है, और ये सब एनसीईआरटी की लाइन है दिखाना, ये मेरा पर्पस है ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
ये हमारा ट्रैकिया है, और ट्रैकिया में भी क्या होता है, ट्रैकिया यानी वायुनाल, ट्रैकिया यानी वायुनाल, सांस लेने की सबसे मोटी ट्यूब का नाम ट्रैकिया, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया के अंदर म्यूकस होता है, म्यूकस से फायदा क्या है, जो कण, जो धूल के कण अंदर आ गए वो उससे चिपक जाते हैं, म्यूकस, म्यूकस पे देखो धूल के कण चिपक गए, और सीलिया उन्हें क्या करता है, सीलिया ऐसे फेंकेगा, ऐसे बाहर फेंकेगा, सीलिया बाहर फेंकेगा, जिससे वो मुंह में आ जाएंगे, मुंह से हम स्पिट कर देंगे, मुंह से स्पिट कर देंगे, और अगर मुंह से स्पिट नहीं कर सकते हैं तो हमारे पेट में चला जाएगा, पेट से जो फीकल मटेरियल है, मल पदार्थ, उसके थ्रू बाहर आ जाएगा, मतलब दोनों वे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कम से कम 8 से 10 बार, सीलिया ऑफ ट्रैकिया प्रोपेल द म्यूकस इन की प्रोपेल द म्यूकस आउट, प्रोपेल द म्यूकस इन की प्रोपेल द म्यूकस आउट, मतलब इसके सीलिया म्यूकस को, म्यूकस को किधर ढकेल रहे हैं, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, अगर अंदर ढकेल देंगे तो लंग्स में चला जाएगा, क्या फेफड़े इसलिए बनाए हैं कि उसमें धूल भर लें, अगर ऐसा हो जाता तो पता लगा सर आज छुट्टी पे है, क्यों सर अपने लंग्स की ड्राई क्लीनिंग करवा रहे हैं, सर आज छुट्टी पे क्यों, इतनी धूल खा ली है ना कि अब वो ड्राई क्लीनिंग पे गए हुए हैं, किसकी, लंग्स की, अंदर से मुंह में ड्राई क्लीनर डाल के एकदम सक करके भी निकाला जाता, हो गया फिर काम, हो गया जिंदा रहता इंसान, समझे, इसका मतलब ये जितने भी धूल धक्कड़ है सब बाहर फेंक दिया जाता है, सब बाहर फेंक दिया जाता है, कंफर्म। ये है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, या पढ़ोगे, तो ये जितने भी डब्ल्यूबीसी होते हैं इनका मेन काम होता है अमीबा की तरह चलते हैं, ये अमीबाइड मूवमेंट करते हैं, ये भी अमीबाइड मूवमेंट ही करते हैं, और पता है इनमें से एक डब्ल्यूबीसी है जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, नाम शायद आप बता सको, बेसोफिल, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है बेसोफिल, कहां गया, अच्छा फिगर में नहीं है, एनीवे बहुत कम होता है इसलिए शायद ना बनाओ, लेकिन बेसोफिल सबसे लीस्ट होता है और न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा वाला और सबसे कम वाला बेसोफिल, ठीक है ना। तो जो ये होता है मोनोसाइट, बात सुनो, सबसे कम कौन होता है बेसोफिल, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल, ठीक है ना, और मोनोसाइट आपने एक एक वो हनुमान जी का नाम सुना ही होगा, देखा ही होगा, है ना, जानते ही होंगे, किसी भी धर्म के वो नाम जरूर सुना होगा, है ना। तो हनुमान जी की क्वालिटी थी, क्या क्वालिटी थी, वो चाहे तो चींटी से भी छोटा रूप ले लेते थे और वो चाहे तो विशाल रूप ले लेते थे, है ना, मतलब बोलते भीम रूप ले लेते थे, और चाहे तो छोटा भी ले लेते थे, मतलब एडजस्टेबल थे। जब उनको वहां पे प्रवेश करना था, कहां पे, लंका में, तो लंका में प्रवेश किए तो क्या हुआ कि एकदम छोटे हो गए थे, चले गए थे, फिर अंदर जाके एकदम विशाल रूप ले लिया, तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका की ऐसी तैसी कर दी थी, नहीं बताओ, हाकिना कितना तो सुना ही होगा। तो ये भाई साहब भी, इनके पास भी एक पावर है, मोनोसाइट के पास भी पावर है, ये भीम रूप ले लेता है, बड़ा रूप ले लेता है, और इसके बड़े रूप को बोलते हैं क्या, मैक्रोफेजेस सेल, बताओ क्या नाम है, मैक्रो मतलब बड़ा कि छोटा, बड़ा कि छोटा, और फेजेस मतलब खा जाता है, इतना बड़ा है और मार के खा जाता है, बड़ा है और मार के खा जाता है, बताओ मोनोसाइट के बड़े 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 रूप का नाम, मैक्रोफेजेस सेल, लास्ट फॉर्म ऑफ मोनोसाइट इज मैक्रोफेजेस सेल, और ये भी अमीबॉइड मूवमेंट ही करेगा, ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसको पहचानते हो कौन है, देख रहे हो, स्वैग, देखिए स्वैग आप, है ना, तो ये है स्पर्म, स्पर्म है, और ये अपने टारगेट पे जा रहे हैं, टारगेट है ओवा, ताकि फर्टिलाइज कर सके, है ना, स्पर्म में फ्लैजिला होता है, स्पर्म में सीलिया नहीं होता, और ये देखो ये भी स्पर्म का एक दूसरा फिगर बनाया है, स्पर्म के आगे हेड होता है, ठीक है, उसके पीछे नेक होता है, फिर उसके पीछे मिडिल पीस होता है, फिर टेल होती है, चार भाग होते हैं जो पढ़ेंगे आगे, अभी टेंशन नहीं लो, अभी जो बता रहे हैं वो जानो, स्पर्म में क्या होता है, फ्लैजिला के सीलिया, जबकि ओवा में ना सीलिया था ना फ्लैजिला, तो सर अभी तो आप सीलिया बता रहे थे, वो ओवा में नहीं था, फैलोपियन ट्यूब में था, फैलोपियन ट्यूब में था, फैलोपियन ट्यूब में क्या कर रहा था, मूवमेंट दे रहा था, किसको, ओवा को, ठीक है ना, ओवा को, अब देखो इसको पहचानते हो, युगलीना,
युगलीना में क्या होता है, फ्लैजिला, युगलीना में फ्लैजिला मूवमेंट देता है, जबकि पैरामीसियम में कौन देता है, सीलिया। फैलोपियन ट्यूब में सीलिया, स्पर्म में फ्लैजिला, युगलीना में फ्लैजिला, मतलब मूवमेंट देने के लिए या तो सीलिया है या तो फ्लैजिला है और या फिर मसल है, मसल। अब मेरे जबड़े को कौन मूवमेंट दे रहा है, मसल। मेरी आईलिड्स को कौन दे रहा है, अच्छा जब इधर देखा तो मसल, उधर देखा तो मसल, छह मसल होती है, इधर तिरछा दूसरी मसल, उधर तिरछा दूसरी मसल, इधर तिरछा दूसरी मसल, उधर तिरछा दूसरी मसल, सीधा दूसरी मसल, सब इधर उधर अलग अलग मसल काम करती है, इसीलिए हम लोग अपने आईबॉल्स को घुमा सकते हैं। समझ में आई बात, मसल का ही कमाल है जो आप अपने आईबॉल को इधर उधर कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो, नहीं स्क्विंट है ना, जिसको बोलते क्या बोलते हैं उसको, तिरछा जो लोग देखते हैं है ना, तो ऐसा भींगापन, हाँ वही कह रहे हैं ना, ये सब मस्कुलर मूवमेंट की वजह से ही हो रहा है, ये सब मस्कुलर मूवमेंट की वजह से ही होता है, सारी बात क्लियर। सबसे पहला फाइलम, सबसे पहला एनिमल जो मल्टी सेलुलर एनिमल बना उसका नाम है पोरीफेरा, सुना है कभी, सबसे पहला फाइलम गांठ बांध लो पोरीफेरा होता है, और पोरीफेरा में एक स्पेशल सेल होती है जिसको बोलते हैं क्वेनोसाइट, क्वेनोसाइट या फ्लैजिलेटेड सेल भी कहते हैं। बताओ क्वेनोसाइट सेल कहां पाई जाती है, पोरीफेरा में, जिसको आप प्यार से बुलाते हो स्पंजेस, प्यार से क्या बुलाते हो स्पंजेस, क्योंकि उसकी बॉडी में छेद ही छेद होते हैं, छेद होती है तो स्पंजी बन जाती बॉडी, नाम पड़ा स्पंजेस। अब स्पंजेस में कौन सी सेल पाई जाती है, एक विशेष सेल, विशेष सेल का नाम क्वेनोसाइट। अच्छा क्वेनोसाइट को फ्लैजिलेटेड सेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक सिंगल फ्लैजिला होता है, सिंगल फ्लैजिला होता है, ठीक है ना, तो इसको फ्लैजिलेटेड सेल भी कहते हैं। ये सब एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए मैं दिखा रहा हूं, और अभी मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा अभी एनसीईआरटी में, क्लियर हो गई सारी बात। तो फ्लैजिलेटेड सेल किसका दूसरा नाम है, क्वेनोसाइट। कहां पाई जाती है, पहले फाइलम में, पहला फाइलम का नाम पोरीफेरा, पोरीफेरा को प्यार से क्या बुलाते हैं, स्पॉन्जेस। इतनी बात समझ आई, समझ गए होगे, तो क्या कर रही बंदी क्या कर रही, मूवमेंट की लोकोमोशन, मूवमेंट की लोकोमोशन, तो ये मूवमेंट हो रहा है, दिस इज नॉट अ लोकोमोशन, दिस इज मूवमेंट, दिस इज मूवमेंट नॉट लोकोमोशन, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अच्छा ये देख, ये अमेरिका की सड़कों पे क्या कर रही है, ये अमेरिका की सड़कों पे बंदी क्या कर रही है, झूम रही है ना, और ये क्या कर रही है, लोकोमोशन कर रही है कि मूवमेंट, लोकोमोशन, क्यों लोकोमोशन कर रही है, लोकोमोशन कर रही है ना क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पीछे से आगे आ रही है, पीछे से आगे आ रही है, आपकी तरफ नहीं आ रही, टेंशन मत लो, बताओ ये क्या कर रही है, ये मूवमेंट की लोकोमोशन मूवमेंट कर रही है, आप तो भैया कभी नहीं भूलोगे है ना, ठीक है। इसने क्या किया, इसकी भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देख लो, दिस इज अ मूवमेंट, जंपिंग क्या है, मूवमेंट है, ठीक है, जंप करना क्या है, मूवमेंट, समझे, अच्छा ये क्या हो रहा, ये क्या हुआ, लोकोमोशन की मूवमेंट, लोकोमोशन की मूवमेंट, ये लोकोमोशन हुआ भाई साहब, देखो उस बंदे को पीछे चला गया, बंदी तो देखो कहां ही चली गई है ना, इसका मतलब सीखिए, सीखिए कुछ, दिस इज लोकोमोशन, देखो पैर पीछे बंदी आगे है ना, क्योंकि मेरी खुद जली है, आगे सुनो, हाइड्रा में टेंटिकल्स पाए जाते हैं, हाइड्रा में टेंटिकल्स पाए जाते हैं, हाइड्रा में क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स, हाइड्रा में टेंटिकल्स पाए जाते हैं, कुछ समझ में आई बात,
और हाइड्रा का टेंटिकल ही लोकोमोशन और मूवमेंट में मदद करता है। अच्छा ये क्या है, ये है जो फैगोसाइटोसिस कर रहा है। कोई भी सेल फैगोसाइटोसिस यानी वही मैक्रोफेज सेल की बात करें तो क्या करता है, चीजों को अंदर ले लेता है, अंदर लेके पचा लेता है, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये अमीबॉइड मूवमेंट टाइप का है, ये अमीबॉइड मूवमेंट टाइप का होता है, ये अमीबॉइड मूवमेंट टाइप का होता है। अच्छा मैं जितने भी मूवमेंट कर रहा हूं, ना मैं सिलिया से मूवमेंट कर रहा हूं, ना मैं फ्लैजिला से मूवमेंट कर रहा हूं, ठीक है ना, मेरा स्पर्म तो सिलिया फ्लैजिला से मूवमेंट कर सकता है। किसी फीमेल का एग जो है उसको मूवमेंट देने के लिए सिलिया भले ही पाए जाते हैं, पर इसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा सिलियरी और फ्लैजिलर मूवमेंट नहीं होता। हमारे डब्ल्यूबीसी में अमीबॉइड मूवमेंट होता है, जैसा मैंने आपको बताया, होता है कि नहीं होता है। अब जितने भी मूवमेंट अब जो है होते हैं वो होते हैं मस्कुलर, और हमारे शरीर में 639 मसल होती है। हाउ मेनी मसल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, 639, और हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, 206, 206 हड्डियां और 639 मांसपेशियां होती हैं। ये मैं सब लिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन मेरा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। पहले एक एक चीज बता दी, अब आपको जब पढ़ाएंगे तो एक एक चीज पर पूरा पूरा डिस्कशन करेंगे, यू नो वेरी वेल, है ना। तो अमीबॉइड मूवमेंट हो सकता है, सिलियरी मूवमेंट हो सकता है, फ्लैजिलर मूवमेंट हो सकता है, और साथ में ये तीनों मूवमेंट कैसे थे, क्या उनमें मसल इन्वॉल्व हुई थी, इज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल इन थ्री केस, नो। अमीबॉइड मूवमेंट में नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल, फ्लैजिलर मूवमेंट में नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल, अच्छा और सिलियरी मूवमेंट में नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल। मतलब अभी तक जो भी हमने पढ़ा मूवमेंट वो कैसा था, नॉन मस्कुलर के मस्कुलर, नॉन मस्कुलर के मस्कुलर, लेकिन अब जो मूवमेंट पढ़ रहे हैं वो कैसा है, मस्कुलर। ऐसा नहीं कि हमने कुछ मस्कुलर मूवमेंट नहीं पढ़ाया, आईलिड्स में क्या हो रहा है, मस्कुलर, जॉज में क्या हो रहा है, हार्ट बीट हो रही है, तो याद है ना, लप डप लप डप लप डप, और कभी कभी लीक हो जाता है हार्ट का वाल्व, लप डप हिस, लप डप हिस, टाए टाए फिस, याद आया कुछ, कुछ याद आया, हाँ अभी हम सबके हार्ट में आ रही है लप डप लप डप लप डप लप डप, और बॉलीवुड वाले उसको बना देते धक 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 धक, है ना, बुलेट वाले बना देते फट फट फट, है ना। तो दो टाइप का मूवमेंट होता है, मस्कुलर एंड सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट, और अमीबॉइड मूवमेंट कैसा था, नॉन मस्कुलर। और अभी आईलिड्स का मूवमेंट, हार्ट का धड़कना, पेट में भोजन का पचना, ठीक है ना, पेट में मरोड़ होना, मरोड़ हुई तो क्या मस्कुलर मूवमेंट हुआ, बताओ सही है कि नहीं है। अच्छा कभी कभी आंख में फ्लिकरिंग होने लगती है, आंख फड़कने लगती है, जब आंख फड़कने लगती है तो फिर क्या बोलते हैं, वो भी मस्कुलर मूवमेंट हुआ ना, मसल की वजह से ही तो हुआ, बोलो भाई, ठीक है ना। अरे कोई मिलने वाला हो मिलने वाली हो वो बात अलग है, लेकिन आंख फड़कती है तो उसमें मस्कुलर मसल इन्वॉल्व होती है, बोलो सही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे मस्कुलर मूवमेंट है, जैसे हम लोग कहते नहीं क्या हुआ, आईब्रोज ऊपर चले गए, देखो क्या हुआ, आईब्रोज ऊपर चले गए, क्या हुआ, मस्कुलर मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा जबड़ा जबड़ा मूव कर रहे हैं तो मस्कुलर मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अपनी बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन कर रहे हैं, लड़कियां यूं खड़ी होती पोज देने के लिए, यूं यूं फिर यूं और पाव उठा के, है ना, तो ऐसे खड़ी होती, देखो बुरा मत मानना, हम केवल मजाक कर रहे हैं, आप लोग सम्मानी हो, ऐसा ना जूता लेके खड़े हो जाओ, हाँ मजाक नहीं उड़ा रहे, मैं फीमेल की कद्र करता हूँ, इज्जत करता हूँ, कभी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मैं मजाक करके पढ़ा रहा हूं बस, जस्ट किडिंग, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं बता रहा हूं कि वो भी क्या हुआ, अब भाई किसी ने पाउड बनाया बड़े प्यार से, तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक तरह का क्या हुआ, मस्कुलर मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा पोज देते हैं यू करके यू करके यू करके, है ना, तो ये सब क्या होता है, ये सब भी कौन सा मूवमेंट होता है, ये सब भी मस्कुलर मूवमेंट है ना। अपने पॉस्चर को मेंटेन करना ऐसे, है ना, ऐसे पॉस्चर को मेंटेन करना, ये सब भी क्या हुआ, ये सब भी क्या हुआ, मस्कुलर मूवमेंट। पॉस्चर को मेंटेन करना भी एक तरह का मस्कुलर मूवमेंट है जिसमें लोकोमोशन हो रहा है, कंफर्म है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, यानी कि मूवमेंट कई जगह पे हो रहा है और इसके लिए मसल्स इन्वॉल्व होती है,
मूवमेंट करने के लिए कौन इन्वॉल्व होती है? मसल्स। अब सुनो एक बार, मसल तीन प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियां। हृदय पेशियों को इंग्लिश में कार्डियक मसल बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऐच्छिक पेशियां। स्केलेटल मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हड्डी के ऊपर होती है, हड्डी के टच में हो स्केलेटल, हड्डी के टच में हो स्केलेटल या कंकाल पेशियां। और अगर हड्डी के टच में ना हो, जैसे बताओ यहां हड्डी है, यहां आते हैं कि नहीं है, तो आंतों में कैसी मसल होगी? स्मूथ मसल, चिकनी पेशियां, चिकनी पेशियां है ना, चिकनी पेशियां, वो नहीं, वो चिकनी पेशियां आपने नाम सुना होगा, क्योंकि इसमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड नहीं होते, ठीक है ना। देखो हमारी आंतों में पाई जाती है। अच्छा यूरिनरी ब्लैडर में हड्डी है? यूरिनरी ब्लैडर यानी आपके मूत्राशय में हड्डी है क्या? नहीं है ना, कौन सी मसल होगी सर? स्मूथ मसल। आपके ब्लड वेसल में यानी रक्त वाहिनी में हड्डियां हैं क्या? तो कौन सी मसल होगी? स्मूथ मसल, चिकनी पेशियां। सही है कि नहीं? अभी डिटेल में हम सब लिखाएंगे एक एक करके, अभी सिर्फ आपको ब्रीफ करा रहे हैं, ब्रीफ कि किस तरह से मूवमेंट्स होते हैं, हाउ मेनी मसल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, नहीं हाउ मेनी मसल्स प्रेजेंट इन द टाइप्स नहीं पूछा। 639 हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट? 206 हड्डियां। सही है ना? और ये इस चैप्टर में यही दो चीजें पढ़नी भी है, एक मसल और एक स्केलेटन सिस्टम। जिस प्रकार हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मीजोडर्मल था अर्जुन भाई, वैसे ही हमारा मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम भी कैसा है? मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। तो मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है, समझ में आई बात? क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई? एक बार मैं जल्दी से ब्रीफ करा रहा हूं, जरा ध्यान देना। लोकोमोशन की मूवमेंट, लोकोमोशन की मूवमेंट, क्योंकि पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? हाँ, बट दिस इज स्विमिंग, इज स्विमिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, ये सब क्या है? लोकोमोशन। अभी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में सब दिया है, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, रनिंग, ठीक है ना, स्केटिंग, ये सब क्या है? ये सब लोकोमोशन है। ये अमीबॉइड मूवमेंट है, अमीबॉइड मूवमेंट जिसमें मसल इन्वॉल्व हो रही कि नहीं हो रही है, ऐसा है जिसमें मसल इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ऐसा जिसमें मसल इन्वॉल्व नहीं हो रही है, कंफर्म हुई सारी बात? और इसका नाम है अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। ये कौन सा मूवमेंट है? पहले ये बताओ मस्कुलर है कि नॉन मस्कुलर, मस्कुलर है कि नॉन मस्कुलर? नॉन मस्कुलर मूवमेंट है, ठीक है ना, नॉन मस्कुलर मूवमेंट है। और इसका नाम क्या है? सिलरी मूवमेंट। इसमें छोटा छेद होता है, नाम बताओ? साइटोफेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स। उसमें भी सिलिया होते हैं कि नहीं होते हैं? सिलिया खाने के पार्टिकल को अंदर ढकेलते हैं कि नहीं ढकेलते? खाने के पार्टिकल अंदर जाने से इसका भोजन पचने में मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है ना। नेक्स्ट, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है, मतलब ह्यूमन के फीमेल में जो फेलोपियन, मेल में तो होती नहीं, फीमेल में होती है अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, वो फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें सिलिया होता है ताकि अंडे को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके, ताकि अंडे को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके, बस इसी फंडे के लिए यहां सिलिया पाई जाती है ना। अंडे को भेजना है, इस फंडे के लिए यहां क्या पाई जाती है? सिलिया। हमारे हमारे ट्रैकिया यानी वायुनाल यानी विंड पाइप में क्या पाया जाता है? सिलिया की फ्लैजिला, ये धक्का देते हैं म्यूकस को, ये देखो म्यूकस, म्यूकस में पार्टिकल चिपके हुए हैं, ये धक्का देते हैं बाहर की तरफ की अंदर की तरफ, प्रोपेल द म्यूकस इन की प्रोपेल द म्यूकस आउट। डब्ल्यूबीसी में कौन सा मूवमेंट होता है? अमीबॉइड, अमीबॉइड लाइक अमीबा, लाइक अमीबा, तभी तो नाम दिया गया अमीबॉइड। डब्ल्यूबीसी में कौन सा मूवमेंट होता है? सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला डब्ल्यूबीसी, बेसोफिल। सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला बेसोफिल, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे कम मात्रा में, लेकिन ऐसा बताओ जो बड़ा सा रूप ले सकता है, मोनोसाइट, वो तो एकमात्र है जो बड़ा सा रूप ले लेता है, और एकमात्र को इंग्लिश में बुलाते मोनो। एक के लिए कितना वर्ड, दो के लिए कितना,
तीन के लिए कितना, चार के लिए कितना, पांच के लिए कितना, छह के लिए क्या, जानते ही हो आप सब। तो मोनो का मतलब ऐसे याद रखो, एकमात्र है जो विशाल रूप ले सकता है, जो भीम रूप ले सकता है, जो सबसे बड़ा हो सकता है, दैट इज मोनोसाइट। और इसके बड़े रूप का नाम मैक्रोफेज सेल। और ये दुश्मनों को तुरंत निगल जाता है, निगल के पचा लेता है। निगल के पचा लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ठीक है ना, यानी कोशिका भक्षण। स्पर्म में क्या है, स्पर्म में क्या है, फ्लैजिला, स्पर्म में फ्लैजिला होता है, ठीक है ना। अच्छा बताओ आपकी युग्लिना में क्या है, युग्लिना प्लांट की तरह हरा भरा होता है कि नहीं होता है, इसीलिए ये धूप में खाना बना लेता है कि नहीं बनाता है, और इसीलिए इसको प्लांट माना जाए। लेकिन जब धूप नहीं होती, जब शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो जहां ये रहता है वहां पर इसको भूख लगती है, तो भोजन तो बना नहीं पा रहा है। अब ये क्या करेगा, अब ये हमारी तरह शिकार करके खाएगा, एनिमल की तरह शिकार करके खाएगा और अपने भोजन को बचा लेगा। अब बताओ ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनिमल की तरह। पहले कैसे बिहेव कर रहा था, सनलाइट की उपस्थिति में पौधे की तरह बिहेव कर रहा है, और सनलाइट की अनुपस्थिति में एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है। सो दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी। सुना है नहीं सुना है, और ये सब मैं लिखाऊंगा आपको। बताओ सबसे पहला आपका फाइलम पोरीफेरा को कॉमनली क्या बुलाते हैं, स्पंजस बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं स्पंजस, क्योंकि बॉडी में छेद ही छेद होते हैं, बॉडी में छेद ही छेद होते हैं। पोर मतलब क्या, पोरीफेरा मतलब पोर बीरिंग एनिमल, छेद, जिनके बॉडी में छेद ही छेद होते हैं उनको बोलते हैं पोर बीरिंग एनिमल। उनके शरीर में अंदर की तरफ, बाहर नहीं, अंदर की तरफ किसकी लाइनिंग होती है, क्वेनोसाइट के अनेक सेल होती है। मैंने किसी एक को दिखाया है, चूंकि इसमें फ्लैजिला होता है इसलिए साइंटिस्टों ने इसका नाम रख दिया फ्लैजिलेटेड सेल। क्या नाम रखा है, फ्लैजिलेटेड सेल। अब बताओ क्वेनोसाइट या फ्लैजिलेटेड सेल फाउंड इन स्पॉन्जेस फाइलम पोरीफेरा हेल्प्स इन वाटर मूवमेंट, ये पानी को मूवमेंट देती है, साथ में भोजन के पार्टिकल को भी पकड़ लेती है। ये देखो लिखा है फूड पार्टिकल इन म्यूकस, और ये फिर इन्हीं की मदद से ये पचा लेगा, ये अंदर भेज देगा इस सेल के, इस सेल के अंदर ही भोजन पच जाता है, याद रखिएगा। खैर वो टॉपिक वहां का है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, मूवमेंट की लोकोमोशन, मूवमेंट की लोकोमोशन, मूवमेंट वहां कुछ हो रहा है, यहां कुछ कुछ हो रहा है। चलो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है क्या, लोकोमोशन, ये हो रहा है लोकोमोशन, ठीक है ना। ये 2 बजे रात को काम है सब, ये मूवमेंट हो रहा है कि लोकोमोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है कि लोकोमोशन हो रहा है, हाँ तो याद रखिएगा। जंपिंग करना क्या है, किक करना क्या है, मूवमेंट, किक करेंगे तो यहीं खड़े खड़े कर देंगे, है ना, किक कैसे चल के कर देंगे, है ना, किक करना हो तो कहीं खड़े होगे तो एक बार मारोगे कि दोनों लाते उठा दोगे, दोनों लाते उठा दोगे, खुद चित्त हो जाओगे। ये क्या है, ये लोकोमोशन है कि मूवमेंट, ये लोकोमोशन है कि मूवमेंट, लोकोमोशन है, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रा में क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल, हाइड्रा में क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल, टेंटिकल भी क्या कर रहा है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों करता है, राइट। अच्छा आप बताओ फैगोसाइटोसिस के समय कौन सा मूवमेंट होता है, अमीबॉय, कौन सा, अमीबॉय, अमीबॉय। अभी तक जो पढ़ रहे थे मोस्टली उसमें से, अगर हम वो ह्यूमन बींग वाला छोड़ दें एग्जाम्पल, तो सारे नॉन मस्कुलर थे। ह्यूमन बींग के उदाहरण जो छोड़ दें, जो मैंने फीमेल्स का फोटो दिखाया, कुछ जंपिंग करने वाला फोटो दिखाया, स्विमिंग वाला, वो मस्कुलर मूवमेंट है। उसके अलावा जितने भी मूवमेंट थे जिसमें सीलिया और फ्लैजिला और या टेंटिकल इन्वॉल्व हो रहे थे, वो सब कैसे थे, नॉन फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, सॉरी नॉन मस्कुलर मूवमेंट, नॉन मस्कुलर मूवमेंट, जो कि लगभग 2-3 प्रकार के होते हैं, सीलियरी, फ्लैजिलेटेड, अमीबॉइड, टेंटिकल्स, है ना, उनके द्वारा होता है। अब जितने भी मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं मसल का उपयोग कर रहा हूं। आईलिड्स में क्या हो रहा है, आई बॉल में क्या हो रहा है ना, आपके लिप्स में क्या हो रहा है, मसल्स इन्वॉल्व हो रही, जॉज में क्या हो रहा है, टंग में क्या हो रहा है, हार्ट में क्या हो रहा है, हाथों में क्या हो रहा है,
सब जगह मसल्स इन्वॉल्व हो रही है। आपकी बॉडी का पॉस्चर जो बदलता है, आपके लिम्स में क्या हुआ, आपके लिम्स में लोकोमोशन हुआ, लिम्स लोकोमोशन में मदद करती है। आप बताओ ना, कोई भी जानवर हाथ पैर से ही तो चलता है और कहां से चलता है। वो बात अलग है कि हम लोग बाइपीडल है, वो बात अलग है कि हमारे हाथ फ्री हो गए, बाकी हमारे अलावा कोई भी जानवर बताओ हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करता है। बताओ, शेर जो कि सुपीरियर है, देखा जाए जंगल का राजा है, वो भी दोनों हाथ दोनों पैरों का इस्तेमाल करता है। हम लोग ही एक ऐसे एनिमल है, हम लोग एक ऐसे जानवर हैं जो किसका उपयोग करते हैं, केवल पैर का। हमारे हाथ फ्री हो गए, इसीलिए हम लोग ने इतनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर डाला। हाथ फ्री नहीं होते तो हम क्या करते, हम भी चल रहे होते, कहीं दौड़ रहे होते, कहीं शिकार कर रहे होते, कहीं तलाश कर रहे होते भोजन की। बताओ, इसीलिए इवोल्यूशन हुआ ताकि हमारे हाथ फ्री कर दिए जाए और हम लोग बहुत कुछ कर पाए। अगर हमारे हाथ फ्री नहीं होते, ना हम फायर खोज पाते, ना हम टेक्नोलॉजी खोज पाते, ना हमारा वो हो पाता, कुछ भी हम नहीं कर पाते। हमारे हाथ थे तभी तो हमने इतनी मैन्युफैक्चरिंग करी। बोलो भाई, देखो टाइप्स ऑफ मसल तीन प्रकार की होती है, हृदय वाली कार्डियक, हमारे कंकाल के ऊपर स्केलेटल मसल या ऐच्छिक पेशियां, जो हड्डी के टच में हो ऐच्छिक। बताओ ये सब हड्डी के टच में है ना, ऐच्छिक, और जो हड्डी के टच में ना हो वो अनैच्छिक, और जो हार्ट में हो वो कार्डियक मसल। कोई डाउट, ठीक है ना। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, ये चीजें मैंने आपको बता दिया। एक बार एनसीईआरटी पे थोड़ा सा नजर डाले फिर, और एक बात और जान लो, जरा एक बात और पहले जान लो, एक बात पहले जान लो। आपको लगता होगा कि लोकोमोशन के लिए अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं और मूवमेंट के लिए अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको लगता होगा, क्या कहते हो, सही है कि गलत? ऐसा हमको लगता है पर ऐसा होता नहीं है। क्या जो चीज हमें लगे वो सही होती है? नहीं, कुछ चीजें सच्चाई से परे होती है, है ना। यहाँ पे जो लोकोमोशन वाले स्ट्रक्चर और जो मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर है, अगर आपको लगता है दोनों अलग अलग है तो वी आर टोटली रॉन्ग। दोनों स्ट्रक्चर सेम ही होते हैं। कैसे? उसी पैर से मैं मूवमेंट भी कर रहा हूं, आप बताओ इस समय क्या कर रहा हूं, पैर ऊपर पैर नीचे, टांग ऊपर टांग नीचे, टांग इधर टांग इधर, अब बताओ, है ना। अरे तो क्या होगा, हाँ वो वाली सुनाई नहीं थी, एक बार एक बच्चा सपने में सो रहा था, अचानक चौंक के उठा, मम्मी मम्मी की तरफ तुरंत बोला, मम्मी मम्मी आज मैंने क्या देखा, मेरा एक पैर धरती पे एक आसमान में था, मम्मी ने तीन कट्टा मारे कस कस के, कहने लगी एक ही कच्चा है वो भी फाड़ेगा क्या। भाई जमीन पे एक आसमान में तो फट तो जाएगी कच्चा, है ना। अब पता नहीं मम्मी ने तो उसको मारा। फिर देखो, इतनी बात क्लियर हुई? तो मैं क्या बोल रहा था आपसे, लोकोमोशन और मूवमेंट अलग अलग चीजों से नहीं होता। उसी पैर को मैंने ऐसे कर लिया लोकोमोशन, उसी पैर को ऐसे कर लिया लोकोमोशन, सॉरी मूवमेंट, इसी को ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, लेकिन मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, ठीक है ना। अभी भी क्या कर रहा हूं, मूवमेंट की लोकोमोशन, मूवमेंट की लोकोमोशन, कंफर्म है ना। हाँ तभी तो माफी मांग रहा हूं, गलती की, छोटी मोटी गलतियां होती है इसलिए माफी मांग रहा हूं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, मूवमेंट की लोकोमोशन, तो मूवमेंट हो रहा है, समझ रही बात। अब क्या हो रहा है, उसी पैर से मूवमेंट और उसी पैर से लोकोमोशन, उसी पैर से मूवमेंट, उसी पैर से लोकोमोशन। बोलो क्लियर है। तो लोकोमोटर स्ट्रक्चर और मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर अलग अलग है कि सेम सेम है ना, क्लियर है कि नहीं है। ऐसे ही देखो एक एक बात करते हैं, उसमें पैरामीसियम में सीलिया था कि नहीं था, तो सीलिया के दो काम थे, एक तो भोजन को पकड़ना, जब भोजन को पकड़ रहा होगा तो पीछे पीछे कहीं ना कहीं तो एफर्ट कर ही रहा होगा ना, उस समय क्या हुआ, ठीक है ना, भोजन को पकड़ा तो हो सकता है लोकोमोशन कर रहा हो, मूवमेंट कर रहा हो, और हो सकता है लोकोमोशन भी करे, और वही सीलिया एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी मदद करेंगे, तो उस समय लोकोमोशन हो गया। बोलो क्लियर है। हाइड्रा के टेंटिकल, अगर हाइड्रा यहीं पे है और ऐसे ऐसे टेंटिकल है, हाइड्रा में आठ टेंटिकल होते हैं, छह से आठ होते हैं, तो जैसे मेरे दो हाथ है वैसे इधर भी हाथ होगा उसका, इधर भी होगा, इधर भी होगा, छह से आठ होते हैं, और इन टेंटिकल की मदद से अगर खड़े खड़े पकड़ ले रहा है तो ये क्या हुआ, मूवमेंट।
और अगर चल के इसी इसी टेंटिकल की मदद से चलता भी है, तैरता भी है, ऐसे ऐसे पानी में तैरता है, तो ये क्या हुआ? लोकोमोशन भी हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? ऐसे हमारा लिंब खड़े है, पॉस्चर बदल रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है? मूवमेंट। और जब उसी पॉस्चर बदलते बदलते हम डिस्प्लेसमेंट कर दिए तो क्या होने लगा? लोकोमोशन होने लगा। एक बार जरा देखते हैं, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग। मूवमेंट सब में होता है, चाहे लोकोमोशन हो या ना हो। पौधे हैं, पौधे में, पौधे हवा में खड़े और पत्तियां हिल रही हैं, फूल हिल रहा है, बताओ फल फल लटका है, हिल रहा है, आम आम वगैरह का सीजन है, आम हिल रहा है, जरा सा भी तूफान आंधी आएगा, देखो नीचे टपक जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तब उसके रेट भी गिर जाएंगे, है ना? होता यही है ना। क्या होता है, अभी एक झोंका आंधी का आ जाए, इतना आम मार्केट में आ जाएगा ना कि आम आम हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब मूवमेंट किसमें होता है? सभी जीवों में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होता है, याद रखो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी हो। हाँ, लेकिन एनिमल में क्या होता है? वो मूवमेंट के अलावा लोकोमोशन भी होता है, कंफर्म है? चलो नेक्स्ट। लिखा है चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों में वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट होता है। देख, लोकोमोशन नहीं कहा, लोकोमोशन नहीं कहा यहां पे, ध्यान देखो, एनसीईआरटी एनसीईआरटी भाई, हर बात पे ध्यान देना पड़ेगा, सब नोट्स बनवाएंगे, अभी केवल आज का लेक्चर मैं बता रहा हूं कि कैसे कवर करना है आपको, ठीक है? अमीबा में प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जितना लिक्विड होता है सेल में, सबको जोड़ लो, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य। सेल के अंदर जितना लिक्विड है उन दोनों को जोड़ लो, दोनों का मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर है, एक सेल के न्यूक्लियस के बाहर है और सेल के अंदर है, तो दो तरह का लिक्विड है, दोनों को जोड़ लो, जीव द्रव्य बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म स्ट्रिंग मतलब चक्कर काटता रहता है, तो यूनिसेलुलर जीव में जैसे अमीबा में, अमीबा में प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव चक्कर काटता रहता है। ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट मूवमेंट है, ये देखो दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट मूवमेंट बताओ, अमीबा में प्रोटोप्लाज्म का चक्कर काटना, अमीबा में प्रोटोप्लाज्म का चक्कर काटना, ये चक्कर काट रहा है ना, सेल वही है, ये घूम रहा है, तो किसमें हुआ? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा इज द सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। बोलो क्लियर है? जीव द्रव का कोशिका में चक्कर काटना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट है, दुनिया का सबसे सरल मूवमेंट यही है। अच्छा, मूवमेंट कैसे हो सकता है? फ्लैजिला या टेंटिकल से, अलग अलग जीवों में अलग अलग चीजों से होगा। लिखा है सोन बाई मैनी ऑर्गेनिज्म। इंसान, हम लोग कैसे मूवमेंट करते हैं? हम अपने लिम्ब को मूव कराते हैं, हम लिम्ब को मूव करा रहे हैं, हम जॉस को मूव करा रहे हैं, हम आईलिट्स को मूव करा रहे हैं। मैंने बोला भी था आईलिट्स वाला ही सारे, यही से चालू की थी बात, मैंने टंग की बात चालू की थी, मैंने हार्ट बीट की बात चालू की थी। तो देखो, टंग मूवमेंट, हार्ट बीट वगैरह सत्ता में आ जाएंगे। हाथों में जो मूवमेंट होता है, क्रमा कुंचन गति पेरिस्टालिसिस, वो भी किसमें आएगी? मूवमेंट में। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द प्लेस और लोकेशन। कहते कुछ मूवमेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है, जगह बदल जाती है, जैसे अभी मैं यहाँ हूँ, अब मैं यहां से चल के यहां पहुंच गया, ये भी एक मूवमेंट था, लेकिन मेरी लोकेशन बदल गई, तो नाम क्या पड़ गया? ऐसा मूवमेंट जिसमें लोकेशन बदल जाए, लोको मोशन। लोको मतलब लोकेशन, मोशन मतलब चल गए आप चल के चले गए, तो मूवमेंट ऐसा मूवमेंट जिसमें व्यक्ति की लोकेशन बदल जाए या पर्सन की या एनिमल की लोकेशन बदल जाए, उसे क्या बोलते हैं? सच वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन। अब यहां से आपसे पूछेगा कैसा मूवमेंट होता है, वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री? अच्छा, मैं जब चाहूंगा नहीं तो मैं कैसे चलूंगा? अच्छा, अभी मैं नहीं चाह रहा हूं तो मैं नहीं चल रहा हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने आप चलने लगेंगे, नींद में चलने की बीमारी तो है नहीं कि अपने आप चलने लगेंगे, है ना? तो यानी जब भी लोकोमोशन होगा तो वॉलेंट्री एक्शन आएगा, यानी ऐच्छिक प्रक्रिया है कि अनैच्छिक, चलना फिरना इच्छा पर निर्भर करता है कि अपने आप, इच्छा पर निर्भर करता है। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक आप यहां से नहीं हिलोगे, अगर आपकी इच्छा हो गई तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। सही है कि नहीं है? गलत कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? मान लो आपकी तबीयत खराब होने लगी, अब आप क्या करोगे? उठ के चले जाओगे, है ना? ये क्या हुआ, आपकी इच्छा पर ही तो डिपेंड किया। और अगर आपकी हिम्मत है, बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, तो ये आपकी इच्छा। तब भी आपको अगर अभी यूरिन आ जाए, यूरिनेशन हो जाना हो, है ना, आपको टॉयलेट जाना हो, तो आप उठोगे, चल दोगे, आपकी इच्छा से ही तो सब कुछ चल रहा है। यानी जितने भी लोकोमोशन है सब कैसे होते हैं? ऐच्छिक की अनैच्छिक, वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री।
चलना फिरना, दौड़ना, पेड़ चढ़ना, क्लाइंबिंग मतलब कहीं चढ़ना, या सीढ़ी चढ़ना, या फिर फ्लाइंग उड़ना, या स्विमिंग तो मैंने दिखाई थी। दे ऑल आर फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट, मतलब ये सारे लोकोमोटरी मूवमेंट है, यानी सारे लोकोमोशन है, कंफर्म। अच्छा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर को डिफर होना चाहिए कि सेम? सेम होता है, वो डिफर नहीं होता है। देखो ध्यान देना, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यानी जिससे हम लोकोमोशन कहते हैं वो संरचना, पैर, हम लोग के केस में पैर, स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफर फ्रॉम अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। मतलब लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है वो मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर से बहुत भिन्न नहीं है, उन्हीं से दोनों काम कर सकते हैं। उसी लिम्ब से मैं लोकोमोशन कर रहा हूं, सॉरी मूवमेंट कर रहा है, और उसी लिम्ब से मैं क्या कर रहा हूं, लोकोमोशन कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, पैरामीशियम में क्या था? सीलिया। सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड। देखो जब यहां पे बैठा हुआ है और यहीं पे खड़ा है मान लो पैरामीशियम, और फूड अपने आप अंदर आ गया, ये हिला भी नहीं, फूड अपने आप अंदर चल के आ गया, बताओ ये क्या हुआ? मूवमेंट हो गया, फूड की एंट्री, मूवमेंट। और मैंने बोला था उसी सीलिया से ये चल के यहां चला गया, आप बताओ अब लोकोमोशन हो गया। देखो लिखा फूड कहां से आता है? साइटोफारिंग से, बोला था कि नहीं? और लोकोमोशन भी यही सीलिया करता है, कह रहे एंड इन लोकोमोशन एज वेल, मतलब सीलिया ना सिर्फ भोजन को के मूवमेंट को बढ़ावा देते हैं बल्कि वो क्या करते हैं, लोकोमोशन में भी मदद करते हैं। बोलो हर चीज दिमाग में आ गई कि नहीं? क्या कोई बात नहीं लग रही है अब आपको? नहीं लग रही है, ठीक है। हाइड्रा के पास क्या था? सर टेंटिकल। कितने टेंटिकल थे? 6 से 8। कितने थे? 6 से 8। 6 से 8 टेंटिकल होते हैं। टेंटिकल के भी दो काम थे। देखो जब वो फूड को कैप्चर करेगा या आपका शिकार करेगा तब क्या किया उसने? तब मूवमेंट किया। और जब वो उससे चल फिर गया तब क्या हो गया? अच्छा हाइड्रा खड़ा है, यहां से भोजन वो शिकार गुजरा यानी बैक्टीरिया गुजरा, इसने लपक लिया, या छोटे छोटे हाइड्रा से छोटे जीव अगल बगल से गुजरे, इसने खा लिया, पकड़ लिया, हिला नहीं, अपनी जगह पे कायम है, अपने टेंटिकल से पकड़ लिया, टेंटिकल से पकड़ लिया, टेंटिकल से पकड़ लिया, व्हाट इज दिस मूवमेंट। अच्छा अब वो उसी टेंटिकल से ऐसे से तैर के गया, अब बताओ क्या हुआ? अब हुआ लोकोमोशन। कह रहा है हम खुद देखो, वी यूज लिम्स फॉर चेंज इन बॉडी पॉस्चर, बोला था ऐसे किया था, ऐसे 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 बताया था ना, वो सब क्या हो रहा था? बॉडी पॉस्चर को चेंज कर रहे थे। तो कह रहा है हम लोग अपने बॉडी को पॉस्चर को चेंज कर रहे हैं तो समझो मूवमेंट, और जब चल फिर गए तो क्या बोलेंगे? लोकोमोशन। हमारे लिम्स मूवमेंट भी कर रहे हैं, हमारे लिम्स चलने फिरने में भी मदद कर रहे हैं। बोलिए क्लियर? यार ऊपर के ऑब्जर्वेशन से ये पता लगता है, ये सजेशन मिलता है कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली, दोनों को अलग अलग अध्ययन नहीं करना चाहिए, इसलिए चैप्टर का नाम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन या लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बोलो सही है, इसीलिए एक साथ स्टडी करना है। टू मे बी लिंक बाय स्टेटिंग दैट, हाँ दोनों को एक शब्द में जोड़ना है। अच्छा कैसे बताओ? उसके पहले मैं आपसे कोई पुराना बात पूछूंगा, मैं इंसान हूं है ना, और मैं एक मैमल भी हूं, हर इंसान को मैमल कह सकते हैं, क्या ये बात सही है? क्यों? क्योंकि मेरे पास बाल है, मेरे पास मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, और मेरे पास ईयर पिन्ना भी है, ये 3 करेक्टर है जिसके पास, वो स्तनधारी यानी मैमल है। जिसके पास स्तन ग्रंथियां यानी मेमोरी ग्लैंड हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेमोरी ग्लैंड दोनों के पास है, पर मेल में नॉन फंक्शनल है, फीमेल में फंक्शनल है, बस यही अंतर है। है तो मैमल दोनों ही ना, तो मैं भी मैमल हूं, मेरे पास भी मेमोरी ग्लैंड है, मेरे पास बाल है और मेरे पास ईयर पिन्ना भी है। जब ये 3 गुण साथ दिख रहे हैं तो मैं स्तनधारी हूं, मतलब मनुष्य एक स्तनधारी है, पर सारे स्तनधारी को मनुष्य समझे? समझे मेरी बात? फिर से सुनो, मैं मनुष्य हूं है ना, मैं स्तनधारी हूं, मतलब मनुष्य को स्तनधारी कह सकते हैं, पर सारे स्तनधारियों को मनुष्य, ऑल मैन आर मैमल, ऑल ह्यूमन्स आर मैमल, बट ऑल मैमल्स आर नॉट ह्यूमन बींग। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? एक दूसरा एग्जाम्पल जो बहुत डेली लाइफ का है, आम एक फल है कि नहीं है? पर सारे फलों को आम
ऐसे ही सुनना, लोको मोशन एक मूवमेंट है कि नहीं है? लोको मोशन एक प्रकार का मूवमेंट है कि नहीं है? चलो मैं चल रहा हूं, बताना मेरे लिम्स में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ यहां देखो, डिस्प्लेसमेंट मत देखो, सिर्फ आप यहां पे देखोगे तो मूवमेंट हो रहा है। तो बताइए मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? थाई में मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? थाई में मूवमेंट हुआ, लेग्स में मूवमेंट हुआ। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट मत देखो, केवल मूवमेंट को देखो। बताइए लोको मोशन के समय मूवमेंट हुआ कि नहीं? पर मूवमेंट के समय लोको मोशन मतलब ऑल लोको मोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोको मोशन। आपके अंदर मूवमेंट हो रहा है पर आप लोकोमोट नहीं कर रहे हो, और मेरे अंदर देखो लोकोमोशन हुआ तो मेरे अंदर मूवमेंट भी हो रहा है। फिर से सुनो, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। सारे लोकोमोशन को मूवमेंट कह सकते हैं पर सारे मूवमेंट को लोकोमोशन नहीं कह सकते। तीन से चार बार नीट में रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन में आया हुआ है। क्या क्या स्टेटमेंट था? सही पूछा था, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट आर, पढ़ो क्या क्या है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। PYQ है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस पूरे जो आज लेक्चर पढ़ा है उससे 6 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, 6 प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। कभी अमीबॉइड मूवमेंट पूछ लेता है, कभी सिलेरी पूछ लेता है, कभी नॉन मस्कुलर पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है ये वाला स्टेटमेंट, कभी पूछ लेता है ये किसमें आएगा, अमीबॉइड सिलेरी और टेंटिकल वाला नॉन मस्कुलर में आएगा। हम लोग का जबड़े का मूवमेंट, हमारा आईलिड्स का मूवमेंट, हमारे आईबॉल का मूवमेंट, हमारे हार्ट की धड़कन किसमें आएगी? मस्कुलर मूवमेंट में आएगी। समझे ना? एनीवे कह रहा है कि पता लोकोमोशन हो या मूवमेंट हो, दो चीजों पर निर्भर करता है। एक हमारे हैबिटेट पर, कहां हम रहते हैं, हमारे आवास पर, हमारे आवास पर निर्भर करता है हैबिटेट। हम कहां रह रहे हैं, जमीन में, पानी में कि हवा में? जमीन में, पानी में कि हवा में हम रह रहे हैं, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो देखो लिखा, मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय द एनिमल वेरी करता रहता है विद द हैबिटेट। पहला किस पर डिपेंड किया? हैबिटेट पर। दूसरा किस पर डिपेंड करता है? डिमांड ऑफ सिचुएशन पर, कि हमारी डिमांड क्या है। अब बताओ हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमें कोई चीज खरीद के लानी हो तो मुझे चल के ही तो जाना पड़ेगा। अच्छा जैसे शेर है, अब शेर को शिकार करना हो तो कई किलोमीटर तक उसको दौड़ना पड़ सकता है। अच्छा लेकिन शेर को आराम करना हो, अपने गुफा में आराम कर रहा है शेरनी के साथ, 2-3 बच्चे हैं, है ना, बुला रहा है दहाड़ के, कहाँ हो बच्चे को, बच्चा कहता है यही है, लेटे रहो तुम। शेर का बच्चा शेर ही होगा, गीदड़ थोड़ा ना होगा। नहीं, शेर बोलता है क्या कर रहे हो स्वैग में, तो बच्चा कहता है दिख नहीं रहा है, रहा हूं वही, समझे। हाउ एवर लोको मोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड। लोको मोशन किसके लिए होता है? भोजन की तलाश, भोजन की तलाश, रहने का स्थान, रहने के स्थान की तलाश, भोजन की तलाश, शेल्टर की तलाश। जैसे अभी आप सब घर से दूर आए हो, कब जब सेटल हो जाओगे तो एक घर बनाओगे, फिर शेल्टर लोगे कि नहीं लोगे? डेली क्लिनिक, क्लिनिक से घर, या हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, ठीक है ना, या किसी कहीं पे जाओगे ओपीडी, वहां से घर, तो आपका शेल्टर तो हुआ ना, तो शेल्टर के लिए करते हैं। मीटिंग के लिए, मीटिंग मतलब क्या होता है, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, यानी ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, जैसे पक्षी घोंसले में ब्रीडिंग करते हैं, है ना, तो ब्रीडिंग ग्राउंड्स, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, जैसे देखो मेढक वगैरह ब्रीडिंग कब करते हैं? बरसात के सीजन में। कीड़े मकोड़े कब करते हैं? बरसात के सीजन में। तो ब्रीडिंग ग्राउंड मिलेगा तभी तो कर पाएंगे, तो सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, या फिर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस टू एस्केप फ्रॉम एनिमी एंड प्रेडेटर, शिकारियों से बचने के लिए। अच्छा हमको जंगल छोड़ दिया जाए तो हम खाने के बाद में तो बारे में तो बाद में सोचेंगे, पहले ये सोचेंगे हमको कोई ना खा जाए। बताओ, हम खाने के बाद तो बाद में सोचेंगे, पहले बोलेंगे शेर ना आ जाए, यहां हम भले ही शेर बने हुए हैं, वहां सुसु निकल जाएगी, बताओ है ना, वहां तो मेरी दुख दुख होगी, दुख दुख समझते हो ना। हाँ देखो देखो, टाइप ऑफ मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट। अब टाइप ऑफ मूवमेंट कैसे होती है?
टाइप ऑफ मूवमेंट तीन प्रकार की होती है, एनसीईआरटी में तीन दिया है, आगे चल के चौथा भी दिया हुआ है। चार कौन से प्रकार? तीन नॉन मस्कुलर और एक मस्कुलर। तीन नॉन मस्कुलर में अमीबॉइड, सिलरी और फ्लैजिलेटेड, और एक हमारा होगा मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है ना। देखो टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितने प्रकार का होता है? देखो टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन टाइप मूवमेंट, नेमली अमीबॉइड, सिलियरी, मस्कुलर, और यहीं पे लगा देते हैं फ्लैजिलर, है ना। तो चार तरह के होते हैं, ये और ये नॉन मस्कुलर है और ये मस्कुलर है। पहले इन्होंने अभी जो मैंने समझाया नॉन मस्कुलर पे कमेंट किया है, नॉन मस्कुलर क्या लिखा हुआ है, सम स्पेशलाइज्ड सेल इन अवर बॉडी, जैसे मैक्रोफेजेस सेल। मैक्रोफेजेस सेल क्या होती है सर? इनलार्ज फॉर्म ऑफ मोनोसाइट। मोनोसाइट जब विशाल रूप ले लेते हैं तो उसी को क्या बुलाते हैं? मैक्रोफेजेस सेल। बताओ दूसरा, बताओ दूसरा, ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी। अरे ल्यूकोसाइट इज अनदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी, अरे एरिथ्रोसाइट इज अनदर नेम ऑफ आरबीसी, सही है ना। चलो कहां होते हैं? ब्लड में होते हैं दोनों। क्या कौन सा मूवमेंट शो किया था याद करो? अमीबॉइड मूवमेंट शो किया था, इसने तो फैगोसाइटोसिस कर दी थी, मार के निकल गया था, लास्ट वाला फिगर दिखाया था। अच्छा देखो, इट इज अफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया। बोलते हैं अगर अमीबॉइड मूवमेंट हो रहा है तो पक्की बात है स्यूडोपोडिया यानी कूटपाथ बन रहे होंगे। स्यूडोपोडिया को कूटपाथ बोलते हैं, सुना है ना, फॉल्स फीट, कूटपाथ। पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे सब डिटेल में। इसीलिए चक्कर काटता है, बताओ जब प्रोटोप्लास्ट चक्कर काटा तो क्या बना? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया ही क्या करते हैं? भोजन को पकड़ लेते हैं और अंदर ले लेते हैं, अंदर लेके पचा लेते हैं। बताओ अमीबॉइड मूवमेंट में अमीबा क्या करता है? भोजन को ले लेता है स्यूडोपोडिया की मदद से और पचा लेता है। लेकिन स्यूडोपोडिया बनने के लिए चक्कर काटना बहुत जिम्मेदार है। किसका चक्कर काटना? जीव द्रव का। प्रोटोप्लास्ट का चक्कर काटना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहां हो देखा हम लोगों ने? अमीबा में। और कहां देखा? मैक्रोफेजेस सेल में। और कहां देखा? ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि सब में कैसा मूवमेंट होता है? अमीबॉइड। अच्छा और कह रहा है जब चक्कर काटेगा तो कुछ सपोर्ट की जरूरत होगी। सपोर्ट देने के लिए सेल के अंदर का कंकाल, जिसको बोलते हैं कोशिका कंकाल, इंग्लिश में बोलते हैं साइटोस्केलेटन, वो मदद करेगा। तो देखो क्या लिखा है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। मतलब अमीबॉइड मूवमेंट के लिए दो चीजें होना जरूरी है, एक तो चक्कर काटना, किसका? प्रोटोप्लाज्म का, जीव द्रव का चक्कर काटना, दूसरा साइटोस्केलेटन का सपोर्ट देना। बोलो क्लियर है? सिलरी मूवमेंट पे आ गए। पहले बताओ सिलरी मूवमेंट कहां था? हॉलो ट्यूबुलर पार्ट पे कि सॉलिड ट्यूबुलर पार्ट पे? अगर सॉलिड होता तो यहां सिलिया होता ही कैसे? हॉलो ट्यूबुलर पार्ट पे होगा, जैसे फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, क्या लिखा हुआ? सिलरी मूवमेंट अकर्स इन मोस्ट ऑफ अवर ये इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, यानी वही हॉलो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन। हॉलो जरूर बोलना, ट्यूब ट्यूब कह रहा है मतलब हॉलो। हॉलो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में पाया जाता है। और किसकी लाइनिंग होती है? सीलिया की लाइनिंग होती है, सीलिया की लाइनिंग होती है, दिखाया था। सीलिया कभी भी कहीं भी लिखा हो याद रखना, सीलिया अगर एक इधर गया तो सारे उधर गए, एक इधर गया तो सारे उधर गए, एक ऐसे हुआ सारे ऐसे हुए, एक पीछे गया तो सारे पीछे गए, यानी कोऑर्डिनेटेड होता है या अनकोऑर्डिनेटेड? कोऑर्डिनेटेड या अनकोऑर्डिनेटेड? सी मतलब सीलिया, सी मतलब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट काम करते हैं, सीलिया संख्या में ज्यादा होते हैं, सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, याद रखना। ये देखो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया, कह रहे ट्रैकिया में होते हैं, और रिमूव द डस्ट पार्टिकल। बताओ डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल को किधर फेंकते हैं? प्रोपेल द म्यूकस इन की प्रोपेल द म्यूकस आउट। क्या लिखा हुआ है? रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल्स एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। मतलब जो हवा के द्वारा डस्ट पार्टिकल या धूल धक्कड़ चले गए हैं उनको क्या करता है? ये बाहर फेंक देगा। लिखा है ना, जो इनहेल करके अंदर चले गए थे उनको ये निकाल देगा, रिमूव कर देगा डस्ट पार्टिकल। किधर की तरफ? बाहर की तरफ निकालेगा कि अंदर की तरफ? यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
ओवा का जो पैसेज था, ओवा कहां पैसेज करता है, ओवा का मार्ग कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब। ओवा का मार्ग फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। तो ओवा जब जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो उसको आसान कौन बनाता है? कुछ छूटा? छूटा नहीं। और एक एक चीज इमेजिनेशन में आ रही है। अच्छा, अब आ गए मस्कुलर मूवमेंट पे, लेकिन हम मस्कुलर पे डायरेक्टली नहीं आएंगे, क्योंकि देखो इन्होंने एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दी। फ्लैजिला का मूवमेंट वहां डाल दिया है, मस्कुलर वाले में गलत किया है। ये देखो, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट हेल्प इन स्विमिंग ऑफ स्पर्म, स्पर्म का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ, मेंटेन द वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज। याद करो, दो जगह पे, एक स्पर्म में हो रहा था और एक क्वेनोसाइट सेल ऑफ स्पंजेस में हो रहा था कि नहीं? मैंने बोला भी था वो पानी को प्रोपेल करेगा, उसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम में पानी को करंट दे रहा था, पानी को धारा प्रदान कर रहा था, और लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोअन्स लाइक यूग्लिना, यूग्लिना में भी तो था। तो फ्लैजिला तीन जगह पढ़ाया मैंने आपको, तीन जगह दिखाया, पहला स्पर्म, दूसरा स्पंजस की क्वेनोसाइट सेल में वो पानी को धारा देता है, और तीसरा तीसरा यूग्लिना में। बताया था यूग्लिना प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजक कली थी, है ना। तो तीन टाइप ये हो गए। और कह रहा है अब अपने लिए, अपने पर आ गए हम लोग, क्योंकि मस्कुलर मूवमेंट पे आ गए। देखो क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ अवर लिम, जॉस, टंग एसेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। और हमारी मसल पता है कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, संकुचनशील, हमारी मसल होती है कॉन्ट्रेक्टाइल, इसीलिए बहुत ज्यादा मदद करती है लोकोमोशन में और मूवमेंट में, ठीक है, बाय ह्यूमन बीइंग एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलर, मतलब हम लोगों में भी मदद करेगी और मल्टीसेलर जीवों में भी मदद करेगी। मतलब मस्कुलर मूवमेंट ज्यादातर मल्टीसेलर जीवों में होता है और नॉन मस्कुलर मूवमेंट ज्यादातर यूनिसेलर में होता है। अच्छा, लोकोमोशन के लिए पता है तीन सिस्टम को कोऑर्डिनेट होकर चलना पड़ेगा। कौन से तीन सिस्टम? एक नर्वस सिस्टम, वो आदेश देगा, नर्वस सिस्टम आदेश देगा मसल को कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, लेकिन उस आदेश को लेके आया जाएगा कहां पे? दो जगह, एक हड्डियों में और एक मसल्स में। तो कितने सिस्टम इन्वॉल्व हो गए? पहला न्यूरल सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम, दूसरा मस्कुलर सिस्टम, तीसरा हड्डियां स्केलेटल सिस्टम। तो तीनों सिस्टम मिल करके कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, मतलब मिलजुल कर एक काम करते हैं, तब जाके कहीं मूवमेंट और लोकोमोशन होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, लोकोमोशन रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ पहला मस्कुलर मूवमेंट, दूसरा तीसरा न्यूरल सिस्टम। लेकिन कह रहा है इस चैप्टर में हम मसल के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। समझ आई बात? क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरीके से कहां कहां पे मसल का मूवमेंट हो रहा है। अब एक बार पूरा एक बार गो थ्रू करा देते हैं, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। ऑल मूवमेंट इज लोकोमोशन या ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट? ऑल लोकोमोशन आर, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। हाउ मेनी मसल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी? 639। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी? 206, राइट। अच्छा, फिर आप बताओ, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही हमारा मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम भी मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, ये भी बोला था मैंने, और आगे आएगा। आएगा क्या? आ गया है। है ना, तो ये आ गया है कि पूरा सिस्टम कैसा है ऑरिजिन वाइज, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। हमारा शरीर तीन लेयर से बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। कुछ सिस्टम बनते हैं हमारे मेसोडर्म से, कुछ एक्टोडर्म से, कुछ एंडोडर्म से, पर ज्यादातर किससे बनते हैं? बताया था मैंने एक बार कि ज्यादातर मेसोडर्म से बनते हैं, और जब आगे आते जाएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे, वरना अभी बता देंगे सब भूल जाओगे, स्किप कर जाएगा दिमाग से, ठीक है ना। अच्छा, फिर बताओ नॉन मस्कुलर मूवमेंट में कितने मूवमेंट पढ़े हमने? तीन चार पढ़े। पहला अमीबॉइड, एक बार बिना देखे बताओ एनसीईआरटी से कि कहां कहां पढ़े,
एक पढ़ा हमने कहा ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी में, दूसरा पढ़ा हमने सबसे बड़ी मोनोसाइट में यानी मैक्रोवेजस सेल में, और तीसरा पढ़ा हमने अमीबा में। अच्छा, चाहे कहीं भी मूवमेंट हो रहा अमीबॉइड वाला, दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होगी। एक तो प्रोटोप्लाज्म का चक्कर काटना, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग, बोलो। और दूसरा साइटोस्केलेटन यानी कोशिका कंकाल, कोशिका कंकाल। नोट्स कल आपको बनवा देंगे, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा आपको बताया गया सिलरी मूवमेंट। सिलरी मूवमेंट होता है हमारे अंदर फैलोपियन ट्यूब में और होता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया प्रोपेल द म्यूकस इन की आउट। उससे फायदा है कि नुकसान? क्या फायदा है? जितने भी फॉरेन पार्टिकल जो हवा के थ्रू इनहेल कर लिए हैं वो बाहर शरीर फेंक देगा। बोलिए, क्लियर है? अच्छा, और कहीं सिलरी मूवमेंट हो रहा था? हमारे अंदर तो नहीं हो रहा था, पर पैरामीसियम में हो रहा था। हमारे अंदर इतनी जगह पे हुआ और पैरामीसियम में हो रहा था। अच्छा, ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं कि अनकोऑर्डिनेटेड? कोऑर्डिनेटेड या अनकोऑर्डिनेटेड? कोऑर्डिनेटेड। छोटे होते हैं कि बड़े? जबकि फ्लैजिला बड़ा होता है, सिलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला संख्या में कम होते हैं, सिलिया संख्या में ज्यादा होते हैं। ठीक है कि नहीं? अच्छा, फिर आप बताओ, सिलरी के बाद आया फ्लैजिलेटेड फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट हमारे शरीर में पहले बताओ स्पर्म। स्पर्म का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, तो एक तो स्पर्म में हो गया, और बताओ। हाँ, और हमारे अंदर तो यही होता है। उसके अलावा होता है स्पंज में होती है एक स्पेशल सेल, नाम बताया था क्वेनोसाइट। क्वेनोसाइट को फ्लैजिलेटेड सेल भी कहते थे। जब ये मूव करता था तो पानी को वाटर करंट मिलती थी, और किस कहां पे मिलती थी? वाटर कैनाल सिस्टम में। स्पंज में होता है वाटर कैनाल सिस्टम, उसमें पानी को एक सिरे से अंदर लाया जाता है, दूसरे सिरे से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है ना, जल परिसंचरण तंत्र, है ना। फिर आपको बताया गया फ्लैजिला और कहां होगा? युग्लिना में। युग्लिना में भोजन पकड़ने में भी मदद करेगा, ठीक है ना, और चलने फिरने में भी मदद करेगा। अच्छा, और हम लोगों में जो भी मूवमेंट हो रहा है या लोकोमोशन हो रहा है, दे ऑल आर असिस्टेड विद द हेल्प ऑफ मसल। जैसे यहां क्या हो रहा है? जॉज में, टंग में, हार्ट में, हाथों में, पेट में, सब मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। आईबॉल्स में, आईलिड्स में, ठीक है ना, सब मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है। समझ में आई बात? अच्छा, अगर किसी मूवमेंट में आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया या लोकेशन बदल गई, तो इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। और हमने ये भी पढ़ा कि जरूरी नहीं है कि जिससे हम लोकोमोशन करें और जिससे मूवमेंट करें दे शुड बी डिफरेंट, एक्चुअली दे शुड बी सेम, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। इसलिए दोनों का साथ अध्ययन करना चाहिए कि अलग अलग? साथ स्टडी करनी चाहिए कि अलग अलग? साथ स्टडी करनी चाहिए, ठीक है ना। फिर मैंने ये भी बताया ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट आर, बोलो सही है कि नहीं। देखो, मैं लोकोमोशन कर रहा हूं, चलो मैं इधर से इधर गया, लोकोमोशन हुआ, किसी को मूवमेंट कहेंगे? यानी ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट जो आप कर रहे हो ये मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन इसमें लोकोमोशन नहीं हो रहा है। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट। उसके बाद आपको बताया गया कि जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है वो मेनली कितने चीजें, या लोकोमोशन जो है वो मेनली कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है? दो। पहला हैबिटेट, और दूसरा डिमांड ऑफ सिचुएशन। क्या उस समय की जरूरत क्या है? भोजन की तलाश करना है कि रहने का स्थान ढूंढना है? भोजन की तलाश यानी कि वो फूड सर्च, और रहने का स्थान यानी शेल्टर, या फिर किसी किसी जानवर से बचना है, किसी शिकारी से बचना है, ये भी हो सकता है, या फिर मेटिंग करनी है यानी जनसंख्या बढ़ानी है, या सूटेबल ग्राउंड प्लेस ढूंढना है ब्रीडिंग के लिए, या सूटेबल ग्राउंड ढूंढना है ब्रीडिंग के लिए, या शिकारियों से बचने के लिए कोई जगह ढूंढना है, ठीक है ना। तो ये कोई भी पर्पस के लिए आप लोकोमोशन कर सकते हो। अच्छा, बॉडी पॉस्चर को बदलना है तो भी आप क्या कर सकते हो? लिम्स का उपयोग कर सकते हो, है ना। तो अलग अलग पर्पस है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला हैबिटेट, दूसरा
डिमांड ऑफ सिचुएशन, डिमांड ऑफ सिचुएशन। अच्छा फिर आपको बताया गया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और ये दोनों सेम होने चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल, सीलिया ऑफ पैरामीसियम नॉट ओनली हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट कब करेगा, जब फूड को पकड़ रहा हो, प्रे को पकड़ रहा हो, ठीक है ना, या फिर वो लोकोमोशन कब करेगा, जब चल रहा हो। इसी तरह टेंटिकल ऑफ हाइड्रा नॉट ओनली हेल्प इन द मूवमेंट बट ऑल्सो हेल्प इन द लोकोमोशन। बोलो क्लियर है। अच्छा जैसे मैं हाइड्रा हूं और मेरे पास ये टेंटिकल है, अब मैं यही खड़ा खड़ा इधर से भोजन आया पकड़ लिया, इधर से आया पकड़ लिया, अब बताओ ये क्या हुआ। अच्छा लेकिन मैं ऐसे इसकी मदद से तैर के गया, अब क्या हुआ, इसकी मदद से तैर के इधर आया, व्हाट इज दिस, लोकोमोशन, है ना। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो। अच्छा और हमारी जो ऑरिजिन है मस्कुलर सिस्टम की और स्केलेटल सिस्टम की, एक्टोडर्मल मेसोडर्मल या एंडोडर्मल, और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि आपकी मसल आपकी बॉडी वेट का लगभग आधा भार कवर कर रही है। कितना, आधा भार कवर कर रही है। आपकी बॉडी के अंदर जितनी मसल है आपकी बॉडी के ओरिजिनल भार का आधा भार कवर कर रही है, ये यहां लिखा हुआ है। 40-50% ऑफ टोटल बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई मसल। आपकी बॉडी का लगभग आधा भार, यानी बोला है 40-50%, ये अकेले अकेले मसल ही कवर कर रही है, जिसको बोलते हैं मांसपेशियां, ये कवर करती हैं। कोई डाउट है, ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अच्छा मसल की चार प्रॉपर्टी सुनो, मसल संकुचित हो सकती है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, संकुचनशील, कॉन्ट्रैक्टाइल, मसल फैल सकती है, यानी एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, मसल को समझना तो एक्साइटेड हो जाएगी, एक्साइटेबिलिटी, पहला एक्साइटेबिलिटी, दूसरा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, तीसरा फैलने को एक्सटेंसिबिलिटी बोलते हैं, सिकुड़ने को कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बोलते हैं, संवेदना देने पर उत्तेजित हो जाती है इसको एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात है इलास्टिक, ऐसे खींचो वापस, खींचो वापस, खींचो वापस, इलास्टिसिटी, अपने आप को रिसेप कर लेती। चार प्रॉपर्टी बताइए मसल की, पहली एक्साइटेबिलिटी, दूसरी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, तीसरी, चौथी इलास्टिसिटी, ठीक है ना। और मसल को हमने लोकेशन और रेगुलेशन के आधार पे कितने भागों में बांट दिया है, तीन भागों में, जो हड्डियों के टच में रहेगी, जैसे पसलियों के ऊपर ये है, कैसी है, स्केलेटन, ठीक है ना, यहाँ यहाँ हड्डियां नहीं है, व्हाट इज दिस, ठीक है ना, और जो स्पेशल यहां पे पाई जाए, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, बताओ ब्लड वेसल में, स्मूथ मसल, यूरिनरी ब्लैडर में, इंटेस्टाइन में, आपके पेट में, आपकी जीभ में, अच्छा जीभ हड्डियों के टच में नहीं, अगल बगल घिरी हड्डियों से, और जीभ में खुद हड्डी होती है। सर क्या बात कर रहे हो, आश्चर्यचकित, जीभ में भी हड्डी होती है, जीभ के बेस पर एक हड्डी होती है, हाँ हायड बोन, वेरी गुड, उसको टंग बोन भी कहते हैं, टंग बोन बोलते हैं, यू शेप होती है, टंग बोन बोलते हैं, यहां पे है, उसी के ऊपर जीभ टिकी हुई है, तो जीभ के बेस पे होती है, उसको टंग बोन भी बोलते हैं, पर आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे, उसको बोलते हैं हायड, HYOID, दिखाऊं, ये देखो ऐसी होती है, यू से यहां होती है, और जीभ उसी पे रखी रहती है, और जब वो सपोर्ट देती बोलने में, अगर ये नहीं होती तो जीभ इतनी तेज कैची की तरह थोड़ी चलती, जीभ इतनी तेज चल रही है, कुछ तो काम होगा ना, क्योंकि कुछ तो सपोर्ट मिलना होगा, मसल का तो सपोर्ट है ही है, लेकिन मसल के बेस पर हड्डियां हैं, हड्डी है, एक हड्डी है, नाम क्या है, हायड बोन, हायड बोन को टंग बोन भी कहते हैं, हायड बोन को क्या कहते हैं, शायद लिखा भी हो, लिखा नहीं इन्होंने, हाँ यू शेप, सिंगल यू शेप कॉल्ड हायड, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, बोल दिया है, बक्कल कैविटी के बेस पर यही हुआ, और यही पर क्या है, जीभ से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसका नाम टंग बोन बोलते हैं, समझ में आई बात, किस शेप की, यू शेप की, कहां होती है, एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के बेस पर ही तो जीभ है, जीभ बेस पर की है कि टॉप पर है, जीभ बेस पर है कि टॉप पर, हाँ तो बेस पर है, सारी बातें क्लियर हो गई,
तो आज हम लोग ने इंट्रोडक्शन कर लिया और काफी कुछ सीख गए जिनका नोट्स हम लोग कल बनाना स्टार्ट करेंगे। समझ में आई बात? चलिए।